हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेन में हम लोग सामान कैसे बेच सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारा देखा होगा लोगों को ट्रेन में सामान बेचते हैं, जैसे कि कोई चाय बेचते हैं, कोई कॉफ़ी बेचते हैं, तो कोई समोसे बेचते हैं, कोई अखबार बेचते हैं, कोई खिलौने बेचते हैं, किताबें बेचते हैं, हर तरह की चीज़ बेचते हैं, ठीक है, ट्रेन में। तो आप कैसे उस काम को करके अच्छा खासा पैसा इससे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे उसमें बहुत कम पैसा आप लगाइएगा, फिर भी आप बहुत अच्छा इससे रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ट्रेन में हम लोग सामान बेचने के लिए परमिशन कैसे लेंगे, कौन सा डब्बा में हम लोग सामान बेच सकते हैं और कौन कौन सा ट्रेन में हम लोग सामान बेच सकते हैं, इसमें कितना रुपए लगता है इस परमिशन को लेने के लिए, कौन कौन सा सामान बेचेंगे कि हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा कमाई होगा। तो इस छोटे से बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को कितना पैसा रखना पड़ेगा अपने पास और इससे कमाई कितना होगा, हर एक चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिए, आप भी हर एक चीज़ समझ जाइएगा और आप भी ट्रेन में कुछ भी जो सामान बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, तो सबसे पहले आपको ट्रेन में बेचने के लिए कोई भी सामान परमिशन लेना पड़ेगा। तो परमिशन कैसे लेते हैं, तो आपको अपने स्टेशन में जाना है, किसी टीटी से मिलना है या फिर टिकट जो काउंटर होता है वहाँ पर बात करना है कि हमको ऐसा सामान बेचना है तो इसका परमिशन मुझे चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे कि आपको एक मंथ का टिकट काट कर दे देंगे, जिसमें से आप क्या होगा कि आप ट्रेन में चढ़कर और सामान बेच सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आपको बस जाना पड़ेगा अपना स्टेशन और वहाँ पर आपको संपर्क करना पड़ेगा। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन सा ट्रेन में हम लोग चढ़ के बेच सकते हैं सामान और कौन और किस में हम लोग को नहीं चढ़ना है, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़रूरी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, आपको कुछ कुछ ट्रेन जो होती है, जैसे कि कोई राजधानी हो गया, एक्सप्रेस हो गया, बहुत जो बहुत कम स्टॉपेज पर रुकता है, तो उस ट्रेन में आपको नहीं चढ़ना है। आपको लोकल जो ट्रेन है उस सब में आप चढ़ सकते हैं, उसमें सब में आप बेच सकते हैं। लेकिन कुछ जो नॉर्मल सा एक्सप्रेस ट्रेन होता है उसमें चढ़ के आप उसके जनरल क्लास में, स्लीपर क्लास में, ये सब जगह में आप बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन एसी में, फर्स्ट एसी में, थर्ड एसी में, सेकंड एसी में, ये सब में आपको चढ़ के नहीं बेचना है, ठीक है। ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए आपको लोकल ट्रेन ज़्यादा फोकस करना है और एक्सप्रेस ट्रेन का जनरल क्लास और स्लीपर क्लास, ठीक है, ये सब डब्बा में आप चढ़ के बेच सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। अब स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं कि कौन कौन सा हम लोग सामान बेच सकते हैं, कौन कौन सा सामान अगर बेचेंगे तो हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसमें से हो जाता है सबसे पहला कुछ नाश्ता का सामान, जैसे कि चाय, समोसे, पकौड़े इत्यादि अगर आप बेचते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग बाज़ार में देखें तो 10 रुपए के इधर हम लोग के इधर अभी 2 समोसे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन वही आप ट्रेन में जाइए तो आपको 30 रुपए के मात्र 3 समोसे मिलेंगे, मतलब कि 10-10 रुपए के, या फिर 15 रुपए के 2 समोसे मिलते हैं, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट उससे कमा सकते हैं आप। घर में समोसे बनाइए और बेचिए, या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, पानी की बोतल भी बेच सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। किताब बेच सकते हैं, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट है। चाय बेच सकते हैं, उसमें भी आप अच्छा प्रॉफिट है। अगर करना चाहें आप तो ये सब काम कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है। या फिर कोई सजावट का सामान, जैसे कि घर में कोई सजावट का सामान होता है, बच्चे के खिलौने, ट्रेन में जाएंगे तो बच्चे जिद करने लगते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये खिलौना चाहिए, तो वो सब आप चीज़ कर सकते हैं, तो इससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कमाई भी अच्छा खासा होगा। इस स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को कितना पैसा होना चाहिए हम लोग के पास, ठीक है। तो वो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस मात्र 500 से 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये के अंदर ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा सा बिज़नेस है, आप किसी सामान को किसी टोकरी में या फिर कोई भी जुगाड़ आप बना के उससे बेच सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने ट्रेनों में देखा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कमाई की। तो सबसे पहले आपने तो 500 रुपये से 2000 रुपये इन्वेस्ट किया इसके अंदर, और एक ही दिन में आपने सामान को बेच दिया, या फिर 2 दिन में बेचा, या फिर 3 दिन में बेचा, तो तुरंत से आपको पैसा आ गया। फिर उससे दूसरा और ज़्यादा सामान खरीद लीजिए, फिर बेचिए, फिर तो आपको मान लीजिए कि 500 से 2000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और कमाई की अगर इसकी बात करें तो हम लोग 10000 से 15000 के बीच आराम से कमा सकते हैं महीने में, इससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं, ठीक है। 10000 से 15000 मिनिमम है, इतना आप कमाइएगा ज़रूर, ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।